हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पे। जैसा कि आप सबको पता है कि नेक्स्ट मंथ आपके हरियाणा ग्रुप डी के पेपर हैं, और हरियाणा ग्रुप डी के अंदर आपके जीके से लगभग 40 से लेके 50 क्वेश्चन तक पूछे जाने हैं, क्योंकि उसके अंदर आपसे हरियाणा जीके के और इंडिया जीके के, करंट अफेयर के ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इंडिया जीके से पूरी पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और करंट अफेयर से भी मिलेंगे, क्योंकि अभी अभी जो 30 तारीख को लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ था उसके अंदर इंडिया जीके से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के मन में ये आ गया कि इंडिया जीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और जो हरियाणा एचएसएससी जो एग्ज़ाम ले रही है वो भी यही चाहते थे कि बच्चों के दिमाग में ये सब जाए। तो इस बार के पेपर में डेफिनेटली इंडिया जीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हरियाणा जीके के लिए मैं ये कंप्लीट वीडियो बना रही हूँ, जिसके अंदर आपके 200 से प्लस क्वेश्चन होंगे, नियर अबाउट 250 से 270 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर 50 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर बदल चुके हैं, और लगभग 25 प्लस इसमें मैंने करंट अफेयर कवर किए हैं जो आपके हरियाणा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ था उसमें हरियाणा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर हैं, इसी में से पूछे गए थे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर मुझे ज़रूरत लगी कि कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी। इसका नेक्स्ट पार्ट तभी लेके आऊँगी जब आप मुझे कमेंट करोगे। तब तक आप ये 200 क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में पहली रेलवे लाइन किस किस के बीच बिछी थी। तो हरियाणा में जो पहली रेलवे लाइन है वो बिछी थी दिल्ली से लेके रेवाड़ी तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे थे। तो महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब जो अभिमन्यु थे वो एक जगह का नाम था अमीन, इसका नाम अब चेंज हो चुका है, मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसका नया नाम क्या है। तो ये एक जगह पे फंसे थे, उस जगह का नाम आपको याद रखना है, जगह का नाम है अमीन। ये अमीन है कहाँ पे, आपको पता है कुरुक्षेत्र है जो अम्बाला मंडल में आता है, कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर एक जगह है, उस जगह का नाम है अमीन। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, हिसार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी से पश्चिमी यमुना कहाँ से निकलती है। यमुना नदी हमारे यमुनानगर में प्रवेश करती है, वहाँ से दो नहरें निकाली जाती है, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। तो पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकलती है, दोनों ताजेवाला से, और ताजेवाला कहाँ पे है, यमुनानगर में है। बहुत कम चांसेस है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत हो, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने बहुत वेरीफाई करके ये सारे के सारे आंसर लिखे हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि ये आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। किस महिला पर्वतरोही ने 2 बार एवरेस्ट फतेह की है। तो ये कौन सा महिला पर्वतरोही है, किस महिला पर्वतरोही ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह की है। तो ये किसने की है, संतोष यादव ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है। तो ये किस जिले में है, हिसार में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस राज्य को नवग्रह कुंडों की उपस्थिति के कारण छोटा काशी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कैथल को। अगला है, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है। तो आप सबको पता है कि हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं, और आखिर में कौन सा जिला बना है, चरखी दादरी। तो सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है, चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव रखी गई थी। तो ये रखी गई थी कुरुक्षेत्र। अगला है, केयू की यूनिवर्सिटी बोलते हैं जिसको, हरियाणा का कौन सा मेला शिल्पकारों का कुंभ के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सूरज कुंड का मेला। तो इसी नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, हरियाणा में कितने पुलिस जिले हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर अब चेंज हो चुके हैं, हरियाणा में पहले 23 पुलिस जिले थे, अब टोटल जिले कितने हो चुके हैं, पुलिस जिले हो चुके हैं 24। तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि हरियाणा में वर्तमान में कितने पुलिस जिले हो गए हैं, 24। अब इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं हम, 22 के 22 जिले पुलिस जिले में आते हैं। हरियाणा में टोटल जिले कितने हैं, 22 के 22 जिले तो पुलिस जिले है ही, प्लस एक हांसी, हांसी को भी हरियाणा सरकार ने पुलिस जिला घोषित किया गया था। तो पहले इसका आंसर आता था 23, लेकिन अब एक और नया बन चुका है जिसका नाम है मानेसर, जो कि गुरुग्राम में है, उसको भी पुलिस जिला बना दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा में टोटल 24 पुलिस जिले हैं, हांसी और मानेसर ये जिले नहीं है लेकिन ये पुलिस जिले हैं, और बाकी 22 के 22 तो हमारे जिले पुलिस जिले में आते ही हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हरियाणा में टोटल 24 पुलिस जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने ऐसे पुलिस जिले हैं जो जिले नहीं है।
पहले इसका आंसर होता था एक, और आंसर एक होता था हांसी के कारण, लेकिन अब दो हो चुके हैं इसका आंसर, क्योंकि हांसी और मानेसर दोनों ही पुलिस जिले तो हैं लेकिन जिले नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 32वां सूरजकुंड मेला कब से कब तक चला? इसका आंसर भी चेंज हो चुका है कि अब तक जो सूरजकुंड मेला लगता है वो लगता है 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक, लेकिन जो 32वां सूरजकुंड मेला था वो चला था 2 से लेके 18 फरवरी तक। तो आपको ये स्पेशल क्वेश्चन याद रखना है कि 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी देना है अगर सिंपल पूछा जाए कि सूरजकुंड मेला कब से कब तक चलता है, लेकिन अगर 32वां सूरजकुंड मेला लिखा हो तो आपने 2 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक आपने आंसर देना है। नेक्स्ट है, NCR जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, में हरियाणा के कितने जिले आते हैं? तो NCR में हरियाणा के कितने जिले आते हैं? 14 जिले आते हैं। पहले ये समझिए कि NCR होता क्या है। हमारी जो नेशनल कैपिटल होती है उसके आसपास के एरिया में जो जिले आते हैं उसको बोलते हैं NCR। तो हरियाणा में पहले इसका आंसर होता था 13, अब इसका आंसर हो चुका है 14। तो NCR में हरियाणा के 14 जिले आते थे। जब 13 जिले आते थे तब इसके अंदर भिवानी भी था, और अब भिवानी से कौन सा एक पार्ट अलग हो चुका है? चरखी दादरी, जो हमारा 22वां जिला बना है। तो चरखी दादरी के अलग होने के साथ ही NCR के अंतर्गत हरियाणा के कितने जिले आने लगे? 14 जिले हो गए। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि कितना प्रतिशत आता है, ये भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर अभी भी 57% ही रहेगा, क्योंकि जो आपका चरखी दादरी अलग हुआ है वो हुआ तो भिवानी से ही है ना, तो प्रतिशत थोड़ी बढ़ जाएगा यहाँ से। तो 57% पहले आंसर था और 57% ही आंसर अब है। तो प्रतिशत पूछा जाए तो 57, लेकिन जिले पूछे जाए तो आपने अब आंसर पे टिक करना है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCR में इंडिया के कितने जिले आते हैं? तो हमारे जो इंडिया के कैपिटल है नई दिल्ली, उसके आसपास इंडिया के कितने जिले कवर होते हैं? तो आपने आंसर देना है 24। पहले इसका आंसर था 22, 22 के बाद जब चरखी दादरी बना तो उसके बाद हो गया 23, और उसके बाद अभी यूपी के अंदर एक और जिला बना है जिसका नाम है शामली, तो इसका आंसर हो चुका है 24। तो NCR में इंडिया के जिले आते हैं 24। तो इंडिया के कौन कौन से मतलब राज्यों के जिले आते हैं इसके अंदर? यूपी से आते हैं 8, हरियाणा से आते हैं 14, और राजस्थान से आते हैं 2। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा में जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी कहाँ है? फरीदाबाद में। अगला है, हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। कल्पना चावला हेल्थ यूनिवर्सिटी, पहले इसका नाम था, इसका नाम अब बदल दिया गया है, तो आपको याद रखना है। और कल्पना चावला का जन्म भी कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा जो तितली पार्क था वो बेंगलोर में है। अभी भी सबसे बड़ा तितली पार्क बेंगलोर ही है, लेकिन जो हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे बड़ा तितली पार्क हमारा बनना स्टार्ट हुआ था, फरवरी में इसका प्रस्ताव रख दिया गया था। तो हरियाणा में सबसे बड़ा तितली पार्क गुरुग्राम में है, जो देश का सबसे बड़ा तितली पार्क होगा। तो आपने थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है कि आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, कि बेंगलोर ऑप्शन में है या गुरुग्राम ऑप्शन में है या दोनों ऑप्शन में है। तो अगर सबसे बड़ा तितली पार्क पूछा जाए तो आपका आंसर ऑप्शन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, बेंगलोर या गुरुग्राम। नेक्स्ट है, हरियाणा से गुजरने वाले NH1 का नाम क्या रखा गया है? तो आपको पता है नेशनल हाईवे 1 का नाम चेंज हो चुका है, बहुत सारे नेशनल हाईवे के नाम चेंज हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना। NH1 का नाम क्या रख दिया गया है? NH44। इसके साथ ही ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे बन चुका है। पहले जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था वो था NH7, लेकिन अब बन चुका है NH1, जिसका नाम हो गया NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिलों की सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती? तो कितने जिलों की सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती? तो ये 2 जिले हैं, इसका नाम है रोहतक और चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में कितने मंडल है? तो आप सबको पता है कि जब हरियाणा बना था तो हरियाणा में 4 मंडल थे, लेकिन अब हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। तो 6 मंडल कौन कौन से हैं, अभी हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, हीरो आ कर गया फरीदाबाद, हीरो आ कर गया फरीदाबाद, ये ट्रिक याद रखनी है। ही से बन जाएगा हिसार, रो से बन जाएगा रोहतक, आ से बन जाएगा अम्बाला, कर से बन जाएगा करनाल, गया से गुरुग्राम, और फरीदाबाद से फरीदाबाद। तो ये टोटल हमारे 6 मंडल हैं। पहले कौन कौन से नहीं थे? पहले करनाल नहीं था और फरीदाबाद नहीं था, जिसके ऊपर मैंने राउंड किया है, बाकी सारे के सारे मंडल पहले थे, लेकिन 2 और बनने के साथ अब टोटल हो चुके हैं 6 मंडल। पहले हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल था गुरुग्राम, लेकिन अब सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? हरियाणा का रोहतक। तो ये क्वेश्चनों के आंसर चेंज हो चुके हैं, तो आपको ये वाले आंसर अब याद रखने हैं। नेक्स्ट है, मेवात का नया नाम क्या है?
तो मेवात का नया नाम क्या है? नू। आप सबको पता है ये उसका नया नाम है नू। अब मैंने कुछ और क्वेश्चन भी कवर किए हैं यहाँ पे जिनके नाम अब चेंज हो चुके हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ओल्ड नेम और राइट हैंड साइड में न्यू नेम लिखे हैं। तो आपको पता है कि गुड़गावा का नया नाम क्या हो चुका है? गुरुग्राम। मेवात का नया नाम नू। मुस्तफाबाद का नया नाम हो चुका है सरस्वती नगर। और बल्लभगढ़ का नया नाम हो चुका है बलरामगढ़। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी। कुछ क्वेश्चन राजीव गांधी के नाम से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ है, राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है, और राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। मैंने ये तीनों एक साथ कवर किए हैं आपके। मैंने क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन गिना है इसको, इसके साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे जैसे कि मैं इंडिया जी के कराती हूँ। तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पूछा जाए तो ये कुंडली में, और कुंडली कहाँ पर है? सोनीपत में। राजीव गांधी स्टेडियम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा रोहतक, और राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना पूछा जाए तो आपका आंसर होगा हिसार। इससे बाहर आपके हरियाणा जी के आने की बहुत कम चांसेस हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी पूरी की पूरी हरियाणा जी के आपकी कवर करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू के नाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेहरू के नाम से मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे है? तो ये राई में है, और राई कहाँ पे है? सोनीपत में। नेहरू सिंचाई परियोजना ये कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। और नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है सर छोटू राम। सर छोटू राम रोहतक के गढ़ी सांपला से हैं, तो याद रखना है सर छोटू राम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये मुरथुल में है, और मुरथुल कहाँ पे है? आपका सोनीपत में है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है सर छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये यमुनानगर में है, और ये कब से शुरू हुई थी? 2008 में। और जो आपका छोटू राम यूनिवर्सिटी है वो कब बनी थी? 1987 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास नाहर सिंह। नाहर सिंह के नाम से पूछा जाता है कि नाहर सिंह कहाँ से थे? तो वो फरीदाबाद से थे, फरीदाबाद में बल्लभगढ़, जिसका नाम क्या हो चुका है? बलरामगढ़। तो नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाए तो आपका आंसर फरीदाबाद होगा, और नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? रेवाड़ी। अगला है देवीलाल। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कहाँ क्या होगा? सिरसा। कहाँ पे है? सिरसा में। और चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क पूछा जाए तो आपका आंसर होगा यहाँ पे यमुनानगर। नेक्स्ट है, कुछ गांव के नेम भी चेंज हो चुके हैं जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। पहला है अमीन। अमीन कुरुक्षेत्र में है, उसका नाम हो चुका है अब अभिमन्युपुर। चमारखेड़ा, चमारखेड़ा हिसार में, इसका नाम हो चुका है सुंदरखेड़ा। नेक्स्ट है एक किन्नर नाम का गांव है जो कि फतेहाबाद में, इसका नाम अजीत नगर हो चुका है। नेक्स्ट है एक गांव का नाम है गांधा, उसका नाम हो चुका है गायबी, जो कि हिसार में है, गायबी नगर हो चुका है। और एक है चमाकखेड़ा, इसको आप थोड़ा सा कन्फर्म कर लेना, चमाकखेड़ा का नाम है देवनगर जो कि महेंद्रगढ़ में है। तो ये कुछ गाँव के नाम चेंज हो चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम 2018 में कौन पहले नंबर पे रहा है? तो आपको पता है कि खेलो इंडिया गेम चल रहे थे, तो इसमें पहले नंबर पे कौन रहा है? हरियाणा। हरियाणा ने टोटल 102 पदक जीते हैं जिसमें से 38 गोल्ड थे। अब आप मुझे बताना कि इसमें सिल्वर कितने थे और ब्रोंज कितने हैं। मैंने इसमें आपके शुरू से लेके अब तक की पूरी हरियाणा जी के कवर करी है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सैनिक। कुछ क्वेश्चन सैनिक में भी पूछे जाते हैं जिसमें मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, ये कौन से क्वेश्चन है? वीरों का शहर। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है वीरों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा रेवाड़ी। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है शहीदों का शहर, तो आपका आंसर होगा झज्जर। अगला है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 22,144 सैनिक चुने गए थे, कहाँ से चुने गए थे? तो वो थे रोहतक। सबसे अधिक सैनिक और अधिकारी कहाँ पे हैं? तो वो कोसली में है, और कोसली कहाँ पे है? रेवाड़ी में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट है, कुछ कंफ्यूजिंग वाले नगर होते हैं जिसका नाम एक जैसा होता है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये गांव कहाँ पे है या ये नगर कहाँ पे है। पहला अपने पास एक तो होता है नारनौल, और एक है नारनौद। नारनौद कहाँ पे है? हमारा हिसार में। और नारनौल कहाँ पे है? हमारा महेंद्रगढ़ में। और नेक्स्ट है टोहाना। टोहाना कहाँ पे है? फतेहाबाद में। एक गोहना और मोहाना। गोहना और मोहाना कहाँ पे है? सोनीपत में। उजाना, कथाना, जुलाना, ये सारे के सारे कहाँ हैं? जींद में। और एक है सोहना और एक है मोहना। सोहना है गुरुग्राम में, मोहना है फरीदाबाद में। तो आप एक से दो बार इनको रिवाइज करना, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इस्पात नगरी के नाम से या स्टील सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? हिसार को। और पित्तल नगरी के नाम से रेवाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे पित्तल के बर्तन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? तो ये किस नगर के समीप है? जींद नगर के समीप है।
नेक्स्ट है, शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ है, तो ये है पानीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा के बागड़ क्षेत्र में होली त्यौहार पर कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है, तो ये नृत्य का नाम है लूर नृत्य। नेक्स्ट है, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के तो टोटल तीन युद्ध लड़े गए थे, एक लड़ा गया था 1526 में, दूसरा था 1556 में और तीसरा था 1761 में। जो तीसरा युद्ध था वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली प्रसिद्ध रचना किसके द्वारा रचित है, तो ये है हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले में है, तो ये सिरसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक लोहे की पाइपों का निर्माण किया जाता है, तो हिसार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चवियन ऋषि की याद में मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है ठोसी पहाड़ियों पे, और ठोसी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, महेंद्रगढ़ में। चवियन ऋषि ने यहाँ पे कुछ साधना वगैरह की थी, इसी इन्होंने ही सबसे पहले चवियन जो अपना चवियन प्रेस है वो बनाया था, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है, अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ है, तो ये है फरीदाबाद में। अगला है, पीला ओढ़ हमारी जज्जा मुडला बैठी गीत कब गाया जाता है, तो ये गाया जाता है बच्चे के जन्म पर। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो मेवात है, और सबसे अधिक कौन सा है, तो वो गुरुग्राम है। अगला है, कडुल्ला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती है, तो ये पहनती है बाजू में। नेक्स्ट है, कोस मीनार किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो बनवाया गया था शेरशाह सूरी, जिन्होंने जीटी रोड का भी निर्माण करवाया था। अगला है, सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है, सोनीपत में। खिलाड़ी राम मेहरा का संबंध किस खेल से है, कबड्डी से। चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, युधिष्ठिर के द्वारा बनाया गया था। सुल्तान फिल्म में एक हरियाणवी पहलवान के रूप में भूमिका किसने निभाई है, तो आप सबको पता है सलमान खान ने। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, झज्जर में। भिंडावास और खापरवास दोनों कहाँ पे हैं, झज्जर में। और सदा बहने वाली नदी कौन सी है, यमुना नदी। ये क्वेश्चन आपके लैब अटेंडेंट के पेपर में पूछा गया था, यमुना नदी हमारे हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है, यमुनानगर के ताजेवाला में। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवसर पर कोथली उपहार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है तीज के अवसर पर। अगला है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, तो ये था ली कार्बूजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली कार्बूजिए कहाँ का निवासी था, तो ये फ्रांस का निवासी था। और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, और करेंसी क्या है, यूरो। 2018 का जो फीफा विश्व कप हुआ है उसके अंदर जो विजेता टीम थी वो भी फ्रांस थी। फ्रांस अभी तक टोटल दो ही बार ये विश्व कप जीता है। नेक्स्ट है, बल्लभगढ़ जिसका नाम बलरामगढ़ हो चुका है, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था, तो उनका नाम है नाहर सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास, तीज का त्यौहार किस महीने में आता है, तो सावन के महीने में आता है। अगला है, कानोड का किला किस नगर में स्थित है, तो ये महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट है, बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये पानीपत के अंतर्गत आता है। अगला है, हरियाणवी नाटक सांझा सीर किसकी रचना है, तो ये है रामफल चहल की। नेक्स्ट है, घरोड़ा किस जिले में स्थित है, तो ये करनाल में है। बुनकरों का शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये पानीपत है। नेक्स्ट है, पैर किड पर्यटन स्थल किस नगर में है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, तो ये होती है हमारी दक्षिण पश्चिम। अगला है, चौधरी छोटू राम का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो ये गढ़ी सांपला में हुआ था। अगला है, दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये सोनीपत में ही है। अगला है, चौधरी छोटू राम रोहतक से किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन करते थे, यहाँ पे है लिख दिया मैंने, करते थे आएगा यहाँ पे जाट गजट अखबार का संपादन करते थे, साप्ताहिक पत्रिका थी ये, इसका संपादन करते थे चौधरी छोटू राम। नेक्स्ट है, सर छोटू राम ने अपनी पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से पूरी की थी, तो ये पूरी की थी उन्होंने दिल्ली से। तो आपको याद रखना है कि उनका जन्म हुआ था गढ़ी सांपला में, और जो आपका साप्ताहिक पत्रिका थी जाट गजट वो करते थे वो रोहतक से, और सर छोटू राम ने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी दिल्ली से। नेक्स्ट है, कौन सा शहर मुक्केबाजी की महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भिवानी। नेक्स्ट है, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली जयपुर। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत उस्ताद पंडित जसराज कहाँ पैदा हुए थे, तो वो पैदा हुए थे हिसार। हरियाणवी मुहावरा चिल्लम भरना का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है खुशामद करना, मतलब किसी की बहुत ज़्यादा सेवा करना या प्रशंसा करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल HMT किस नगर में स्थित है? तो ये पिंजौर में है, और पिंजौर कहाँ पे है? पंचकुला में। अगला, 51 शक्तिपीठों में से भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। भारत की सबसे लंबी और प्रमुख नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है गंगा। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि इजिप्ट में है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, जो हमारे हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है, जो कि सबसे पहले यमुनानगर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, किस शहर में स्थित मकबरा हरियाणा का ताजमहल कहलाता है? तो हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा कहलाता है, जो कि बिल्कुल वाइट पत्थरों से बना हुआ है। ये कहाँ पे है? थानेसर में। और शेख चिल्ली कौन थे? ये शाहजहाँ के गुरु थे, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट है, गूगन मम्मी के त्यौहार पर किस नृत्य की परंपरा है? तो ये छड़ी नृत्य की परंपरा है। अगला, वह धार्मिक केंद्र कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो ये ज्योतिषर सरोवर में दिया था, जो कि कुरुक्षेत्र में है। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये ली 10वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में, प्रेजेंट में भी मनोहर लाल खट्टर ही है। नेक्स्ट है, मामू भांजा की प्रसिद्ध मजार किस जिले में है? तो ये सोनीपत में है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? रोहतक में। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ में हरियाणा का उच्च न्यायालय, जो कि हरियाणा की राजधानी और पंजाब की राजधानी है, और हरियाणा और पंजाब का हाईकोर्ट भी एक ही है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो रॉक गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। किसने बनवाया था? नेकचंद ने। अगला है, हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो ये अरुणा के नाम से उसको जाना जाता था। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? चंडीगढ़ में। महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई? 18 दिन तक। शेख तैयब का गुबंद कहाँ स्थित है? तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे कैथल में है ये। नेक्स्ट है, सबसे कम समय तक हरियाणा के CM कौन रहे थे? ओम प्रकाश चौटाला, और गवर्नर ओम प्रकाश वर्मा। तो आपको याद रखना है कि ये 5-5 दिन तक CM और गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट है, करण का टीला कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में। यहाँ तक मैंने टोटल 100+ क्वेश्चन कवर कर चुकी हूँ मैं आपके। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, और यही हरियाणा GK के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। HSSC के हर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं, जिन स्टूडेंट ने लगातार मेरे चैनल पे टेस्ट दिए हैं, उनको तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी याद होंगे, और जिन्होंने नहीं दिए वो इसको याद कर लो। मैंने सारे आंसर पेंसिल से इसलिए लिखे हैं क्योंकि यही वीडियो मैं एक बार आपके एग्जाम से पहले अपलोड करने वाली हूँ, जिसके अंदर कुछ और क्वेश्चन भी होंगे। उस टाइम पे आप रिविजन कर सकते हो कि आपको इस 200-250 में से कितने क्वेश्चन याद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य की स्थापना के समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो ये थे टोटल 7 जिले थे हरियाणा राज्य की स्थापना के समय। तो आप सबको उसका नाम मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से जिले थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं। और लास्ट वाला कौन सा है? चरखी दादरी। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है? तो अभी अभी नए बने हैं, सत्यदेव नारायण आर्य। सुल्तानपुर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में कहाँ है? गुरुग्राम में। और कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में। हरियाणा में दो ही नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर और कलेसर। सुल्तानपुर गुरुग्राम में और कलेसर है यमुनानगर में। हरियाणा की विधानसभा कहाँ पर है? जींद में। हरियाणा का लोह पुरुष कौन कहलाता है? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक। और वर्तमान में हरियाणा में कितने मंडल है? 6। मैंने अभी आपको ट्रिक से सभी 6 के 6 के नाम भी याद करवाए हैं। ट्रिक थी हीरो आ कर गया फरीदाबाद, पीछे मैंने इसको रिवाइज भी आपको करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये ब्लैक बक, जिसको बोलते हैं काला हिरन। मैंने इस पे टिक इसलिए किया है क्योंकि ये जो लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको काला तितर बोलते हैं। अगला है, सुनारिया जेल किस जिले में है? तो रोहतक में है। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? पंचकुला में। और बीर बारा कहाँ पे है? जींद में। दो अलग अलग क्वेश्चन है, बीर शिकारगढ़ पंचकुला में और बीर बारा है जींद में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में चमड़ा उद्योग किस जिले में है? तो ये फरीदाबाद में है। पेपर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? यमुनानगर को जाना जाता है। दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में है? तो ये गुरुग्राम में है। सबसे बड़ी जो झील है वो दमदमा झील है और हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, मैंने जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है, जब मैंने टेस्ट लिया था तो उसमें ये क्वेश्चन गलत हो चुका था। मैंने दमदमा झील आपको गलती से फरीदाबाद बता दिया था, तो वही बच्चे अगर दोबारा वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना।
नेक्स्ट है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला है हरियाणा में पंचवटी मंदिर कहाँ पे है, पंचवटी हनुमान मंदिर कहाँ पे है, तो पलवल में। और पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पे है, तो ये है यमुना नगर में। दो अलग अलग है, पंचवटी और पंचमुखी, पलवल और यमुना नगर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और कुछ याद होता है और आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, तो ये है कुश्ती। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये करनाल में हुआ था। कब हुआ था, 17/3/1962 में। नेक्स्ट है हमारे पास सोहना नगर किस कारण प्रसिद्ध है, गर्म पानी के कुंड के कारण। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, कैथल में। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है, तो महेंद्रगढ़ में है। बाबा रामदेव के गुरु कौन है, आचार्य बलदेव। नेक्स्ट है नाथुराम गोडसे को फांसी की सजा कहाँ पे हुई थी, तो अम्बाला सेंट्रल जेल में हुई थी। हरियाणा एक अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, तो 1 फरवरी 2003 में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है माझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो ये कैथल में। और पित्तल के बर्तन बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो रेवाड़ी। मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था कि पित्तल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रेवाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले शुरू हुई थी, गुरुग्राम में। और देश में पूछा जाए तो कोलकाता में। अगला है हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है, तो भिवानी और कैथल दोनों को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और नवग्रह कुंड कहाँ पर है, कैथल में है, इसी कारण से इसको भी छोटी काशी कहा जाता है। तो नवग्रह कुंड कहाँ पर है, कैथल में। महाराजा अगरसेन का समाधि किस नगर से है, तो ये अग्रोहा से है। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर, फरीदाबाद में है। गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो गोरैया पर्यटन स्थल है आपका बहादुरगढ़ में। नेक्स्ट है ताजेवाला नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस जिले में है, तो अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा ये कहाँ पे है, यमुनानगर में। नेक्स्ट है बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था महेंद्रगढ़ में। सुल्तानपुर झील कहाँ पे है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क पूछ ले या सुल्तानपुर झील पूछ ले, तो ये गुरुग्राम के फरुखनगर में है। नेक्स्ट है मशहूर गायक सोनू निगम का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था फरीदाबाद में। अभी लैब अटेंडेंट का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील कहाँ पर है, तो ये फरीदाबाद में है। दमदमा झील कहाँ पे है, गुरुग्राम में। साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ था, तो ये हिसार में हुआ था। परिणीति चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ था, तो अम्बाला में हुआ था। सरस्वती चीनी मिल एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, सरस्वती चीनी मिल ये कहाँ पे है, यमुनानगर में। लाला लाजपत राय का संबंध किस जिले से है, तो ये हिसार से है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है, गुरुग्राम में। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है, जींद को। और हरियाणा विधानसभा भी कहाँ पे है, जींद में। नेक्स्ट है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। अभी लैब अटेंडेंट में एक क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल कहाँ रहता है, तो वो रहता है राजभवन में। अगला है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय पेड़ या वृक्ष कौन सा है, तो वो है पीपल का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर नारायण गुफा कहाँ पर है, तो ये यमुनानगर में है। प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा में कहाँ पे है, जींद में। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, तो 10 है। टोटल 22 जिले हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। तो आप इसका DLR कोड याद कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लोकसभा और राज्यसभा 22105। नेक्स्ट है मोरनी हिल्स कहाँ पर है, तो ये पंचकुला में है। कोटला हिल्स कहाँ पर है, मेवात में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। ब्लूबर्ड झील कहाँ पे है, हिसार में। नेक्स्ट है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है, तो कुरुक्षेत्र में है। KUK यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और बुढ़िया का रंग महल या फिर बीरबल का रंग महल बोले, तो ये यमुनानगर में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो कोई इसका आंसर देता है कि चंद्रावल है, कोई बोलता है धरती है, कोई बोलता है जाट झुलाने वाला है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देख लेना है। वैसे हरियाणवी भाषा की जो पहली फिल्म विकिपीडिया से अगर आंसर लें, तो इसका आंसर आएगा आपका चंद्रावल। नेक्स्ट है बूधो माता का मेला कहाँ लगता है, तो ये फरुखनगर गुरुग्राम में लगता है। सती का मेला कहाँ लगता है, भिवानी में। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है, रोहतक में। बैसाखी पर्व किस मूंग की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है, तो ये रबी की फसल जो कि 13 अप्रैल को मनाया जाता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, पानीपत में। चरखी दादरी जिला कब बना,
18 सितंबर 2016 में मनोहर लाल खट्टर ने एक रैली में घोषणा करी थी कि चरखी दादरी को हमारा 22वां जिला बनाया जाए, और 18 अक्टूबर को कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी थी। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है 16/11/2016 को चरखी दादरी जिला बना था। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? तो ये है उदयभान हंस। अगला है, हथनी कुंड किस जिले में है? यमुनानगर में है। हमने ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं, टोटल 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट करवा दिए गए हैं, तो उसके अंदर भी हम डिटेल में करवा रहे हैं। इन क्वेश्चन के साथ साथ आप टेस्ट भी देते रहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो भी करते रहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी टाइप से हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आए जिसमें आपकी कंप्लीट हरियाणा की तैयारी हो जाए, क्योंकि जो लैब अटेंडेंट का पेपर आया है वो बहुत ईजी आया है। उसके अंदर जो हिंदी पूछी गई थी, इंग्लिश पूछी गई थी, हरियाणा जीके और मैथ और रीजनिंग बिल्कुल ही आसान पूछी गई थी। सिर्फ एक पोर्शन टफ था उसके अंदर साइंस का, इसमें तो साइंस भी इजी पूछी जाएगी। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, जो आप लोग अपने हाथ से मत जाने दो, रेगुलर फॉलो करते रहिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। कुछ पोस्ट इसमें ऐसी हैं जो ग्रुप सी से भी बेटर है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, अच्छा से अच्छा स्कोर करिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, यादवेंद्र पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो ये पिंजौर पंचकुला में है। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1886 में। हरियाणा में पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मोरनी हिल्स को, जो कि पंचकुला में है। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन से जिले में खोला गया था? रोहतक में। सूरज कुंड का मेला कितने दिनों का लगता है? तो 15 दिनों का, लेकिन जो 32वां सूरज कुंड का मेला था वो 2 फरवरी से 18 फरवरी तक लगा था। हरियाणा का केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो कुरुक्षेत्र में लगता है। हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहले भिवानी होता था, अब कौन सा है? सिरसा, क्योंकि भिवानी से चरखी दादरी अलग हो चुका है। नेक्स्ट है, थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी है? तो हर्षवर्धन की। हरियाणा के किस स्थान पर ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? तो फरीदाबाद में। और हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन याद जरूर रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमन शाह मेला कहाँ लगता है? तो आप सबको पता है ये सिरसा में लगता है। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर में आता है? तो मैंने पहले ही बताया था अभी आपको, 57% आता है। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो ये रेवाड़ी का रहने वाला था। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? इसको मैंने टिक इसलिए किया है क्योंकि ये भी लैब अटेंडेंट में पूछा गया था, बहु धान्य के नाम से जाना जाता था। अगला है, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? चरखी दादरी। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? तो ये रेवाड़ी में है। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? तो ये फतेहाबाद में है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग फिशर पर्यटन स्थल किस शहर में है? तो ये अंबाला में है। अगला है, अंबाला को साइंस सिटी के नाम से और मिक्सी सिटी के नाम से या वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कुरुक्षेत्र में। गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है? तो यह है कैथल में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? सिरसा में। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाए हैं, तो ये लगाया गया था 1967 में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो चुका है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? हेमू और अकबर के बीच। अगला है, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है फतेहाबाद, जिसका नाम है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला है, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ किस स्थान पर हुआ था? तो ये सीही, जो कि फरीदाबाद में।